And if you click this video, that means you click a long form video. Let me explain why. First, the film is developed, much the same way as your films are developed at the tennis. Then it has to be edited. You mean some of the film has to be cut out? Right. Some bits were thrown away, quite a lot in fact, because we filmed about 3 times more than we needed. लॉन्ग फॉर्म वीडियो बेसिकली 1 मिनट से लेकर कितने ही मिनट तक हो सकती है या फिर आवर तक हो सकती है, और जो शॉर्ट फॉर्म वीडियो होती है वो बेसिकली 1 मिनट के अंदर आती है और जिसमें हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स आ जाती हैं। बट गूगल तो कहता है कि शॉर्ट फॉर्म वीडियोस आर अंडर 10 मिनट्स एंड लॉन्ग फॉर्म वीडियोस आर ओवर 10 मिनट्स। तो क्या मैं गलत हूँ? तो ये दौर था 18s का, यही कुछ 150 साल पुरानी बात। 150 year old? Really? जी हाँ, 150 साल पुरानी। वर्ल्ड की फर्स्ट वीडियो एक फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग थी, एंड फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग ये होती है कि लाइक उसमें काफ़ी सारी फोटोज़ को एक सीक्वेंस में मर्ज करके एक वीडियो बनाई जाती है। इनोवेशंस होती गई और इनका ड्यूरेशन बढ़ता गया, तो उस दौरान बेसिकली साइलेंट फिल्म्स बनती थी। और आपको जान के हैरानी होगी, जो वर्ल्ड की फर्स्ट वीडियो है वो सिर्फ 2 सेकेंड्स की थी, 1.66 सेकेंड्स। वैसे इसकी शुरुआत भी चाइना से हुई, तो ये साल था 2012। तो चाइना में उस दौरान 12 टू 30 सेकेंड्स की शॉर्ट फॉर्म वीडियोस चलती थी और लोगों को काफ़ी फनी लगती थी। दैट्स वाई आज वो इतनी फेमस है, और थैंक्स टू टिकटॉक जिसने उसे इतना एस्टैब्लिश किया। क्या कर सकते हैं। तो एट द एंड, व्हाई लॉन्ग फॉर्म वीडियोस आर इम्पॉर्टेंट? लॉन्ग फॉर्म वीडियोस इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि देखो, जो तुम्हारी शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ है उससे जितने भी ऑडियंस आएगी वो इतनी लॉयल नहीं होगी, बट तुम उन्हें यूज़ कर सकते हो अपनी लॉन्ग फॉर्म वीडियो में, तो उससे एक अच्छी रीच बढ़ सकती है। अगर आप एंटरप्रेन्योर या फिर कोई कंटेंट क्रिएटर हो तो जिससे आपको और हेल्प होगी। और हाँ, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हमेशा चलेंगी, मूवीज, सीरीज और पॉडकास्ट ये तो हमेशा चलेंगे, इनकी अलग वैल्यू होती है। और जो शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ है वो भी इंटरटेनिंग होती है और वो भी आगे चलेंगी। कुछ कॉन्टेंट क्रिएटर्स और बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स कुछ ऐसा कहते हैं। Echo people like Alex Hormozy, who said he never wanted to be a content creator, but suddenly is starting to create content because he understands the importance of it for his business. He even says so himself, that the most valuable thing that you can do right now is to build an audience. वैसे लॉन्ग फॉर्म वीडियो अपनी जगह अच्छा है और शॉर्ट फॉर्म वीडियो अपनी जगह अच्छा है। बाकी आप कमेंट में बताना कि कौन सा किसका फ्यूचर आगे कैसा हो सकता है। ये मेरी कुछ एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री टाइप था, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने पहली बार कुछ ऐसा नया ट्राई किया है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यू कैन फॉलो मी हियर, एंड प्लीज़ डू ड्रॉप अ कमेंट एंड डू साइन आउट।